जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं और साथ ही साथ सीखने भी वाले हैं टेबल्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे टेबल्स की सबसे बेहतरीन ट्रिक्स को, जो कि आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप अपने कॉन्सेप्ट को, आप अपने टेबल्स की ट्रिक्स को पूरा क्लियरली समझ लेते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं हम आज की इस क्लास की ओर। तो दोस्तों टेबल्स की ये ट्रिक्स आखिर हैं क्या, आज हम इन टेबल की ट्रिक्स में क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों टेबल्स की ट्रिक। हमें कोई भी टेबल अगर बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये बता देते हैं कि आपको 2 से लेकर 10 तक का टेबल आना जरूरी है, और आई होप, मुझे यकीन है कि आप सबको 2 से लेकर के यानी कि 2 से लेकर के 10 तक का टेबल आपको लर्न होगा। ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो होगी नहीं, ये बहुत ही छोटा है, आप छोटी क्लास से लेकर के पढ़ते ही होंगे। तो दोस्तों मैं इनसे बड़े ट्रिक्स बताने वाला हूँ और हमारी ट्रिक्स होगी 1 से लेकर के 100 तक के लिए, लेकिन केवल 100 तक सीमित नहीं रहेगा, इसके आगे भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आपको तरीका आ गया तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन बेसिक ये है दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल, ये है हमारा फंडामेंटल, इसमें क्या कहलाएगा फंडामेंटल, हमारे पास 2 से लेकर के 10 तक का टेबल ये ही कहलाएगा, अगर ये आपको आएगा तो क्लियरली। जैसे मान लीजिए दोस्तों अब इसके अलावा 10 के बाद यानी कि 10 के बाद हमें अगर कोई दूसरा टेबल भी बनाना है, चाहे वो कोई भी हो, तो हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं आपको 2 या 3 पहाड़े बना करके, टेबल्स बना करके बता दूंगा, उसके बाद आप खुद ही इतने काबिल बन जाएंगे, आप ये चीज़ खुद सीख जाएंगे कि आप खुद ही दूसरे को समझा दोगे कि नहीं मैं आपको ये बना करके खुद बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए मुझे टेबल बनाना है 2 के बाद, अब 11 का मैं नहीं बना रहा, 11 का तो आपको पता है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा क्लियर हो जाएगा। 11-20 तक का मैं नहीं बताऊंगा, उसके आगे का बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें बनाना है 32 का टेबल, कौन सा 32, अब 32 का टेबल कैसे बनाएंगे, यानी कि 32 का पहाड़ा कैसे लिखें, 32 का पहाड़ा आना जरूरी है लेकिन कैसे करें, तो डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको इनके सबसे दहाई और इकाई के अंकों को अलग कर लेना है, यानी कि ये जो हमारे पास 2 है, ये 2 क्या है हमारे पास, इकाई का अंक है, कौन सा है ये इकाई, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, ये कौन सा है हमारे पास यूनिट डिजिट है। और जो दूसरा 3 है हमारे पास, ये क्या है दहाई, दहाई यानी दूसरे स्थान पर है दहाई, दहाई यानी कि टेंथ प्लेस पर ये है। आपको ये बात क्लियर हो गई, एक यूनिट है और एक टेंथ है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है इंडिविजुअल अलग अलग हम कैसे करें। आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले 3 का, ये संख्या 3 लेनी है और इस 3 का पहाड़ा इधर लिख देना है, 3 का टेबल लिख देते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा 3 का पहाड़ा क्या होता है, जरा बोलते जाइए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 और 3 × 10 = 30। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी सीख लीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 एंड 3 × 10 = 30। ये हुआ हमारा 3 का टेबल। एंड सेम और सेम प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, 2 का टेबल भी सेम नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। आपने देखा दोस्तों मैंने 32 के अलग अलग डिजिट को नोट कर लिया, उनका पहाड़ा यानी कि उनका टेबल नोट कर लिया है। आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना, आप इसका टेबल बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से आप समझिए। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, जो यूनिट डिजिट है इधर की वैसे ही लिख देंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, जिनमें एक एक डिजिट है सिंगल डिजिट है कोई दिक्कत नहीं, ये 2 इधर 3 इधर, ये वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये हो गया 32। और दूसरा क्या हो जाएगा, 4 यूनिट डिजिट पे, तो 4 इधर और 6 इधर लिख दिया जाएगा, ये भी क्लियर। अब यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट पे है यानी कि इकाई में, तो 6 को यहाँ पे लिख देंगे, और 9 जो है 9 दहाई पे है,
टेंस डिजिट पे, तो टेंस प्लेस पे होने की जगह पे यहाँ पे नाइन को यहाँ पे लिख देंगे। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, समझ में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे टू डिजिट, तो इसमें क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे एट है तो एट वाले डिजिट को इधर ही नोट कर लेंगे और इधर 12 डिजिट को यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे। ये हो गया 128। अब प्रॉब्लम अब आने वाली है दोस्तों, और जबकि प्रॉब्लम वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 11 डिजिट थी, तो यहाँ पे देख लो 11 डिजिट तक में तो हमने शामिल कर लिया, सिम लिख लिया, आसान है। लेकिन अब आगे के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आगे हमारे पास 10 है और इधर 15, तो यहाँ 15 वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा कि वैसे ही एज इट इज लिख देना है, लेकिन इसका क्या करें, कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस जीरो को तो यहाँ पे नोट कर देंगे, लेकिन अब ये जो वन बच रहा है हमारे पास, ये वन, इस वन को हम कैरी लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, कैरी बन जाएगी, यानी कि हासिल बन जाएगा, और हासिल क्या किया जाता है, बगल वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो बगल की संख्या क्या है हमारे पास, 15, यानी कि 15, तो 15 में जब एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, वेरी गुड, तो ये हो गया 16। बात समझ में आ गई दोस्तों, ऐसे ही सभी में करना है, इधर 6 यहाँ पे नोट कर देंगे और ये एक जो हासिल है इधर आ जाएगा, तो 18 में एक जुड़ेगा 19, समझ गए। नेक्स्ट है 21 और 14, तो यहाँ पे 4 तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन 21 में ये वाला एक क्या हो जाएगा, एक इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक इधर आकर के जुड़ने लगेगा, तो 21 और एक क्या हो जाएगा 22, और 16 ये तो 16 का 6 यहाँ पे और एक इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 में एक 25, इधर का 8 यहाँ पे लिख देंगे और 27 में जब एक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे क्या है 30 और 20, तो 0 यहाँ पे नोट करेंगे। अब यहाँ का हासिल क्या बनेगा दोस्तों, 2 बनेगा, 2, तो 2 को हम इस 30 में प्लस करेंगे, क्या करेंगे, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2 यानी कि 32, तो यहाँ पे 32 ये लिख देंगे। और देखेंगे दोस्तों ये हमारा बन गया 32 का टेबल, यानी कि 32 का पहाड़ा हमारा बन करके रेडी हो गया। क्या होता है, 32 एकन्नम 32, 32 दूनी 64, 32 त्रिको 96, 32 चौके 128, 32 पंचे 160, 32 छक्के 196, 32 सत्ते 224, 32 अट्ठे 256, 32 नवैया 288 और 32 दहम का 320। देखा दोस्तों कितना आसान था ये टेबल, मैंने अभी हिंदी से टेबल पढ़ा, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ सकते हो। 32 बन जा 32, 32 टू जा 64, 33 थ्री जा 96 एंड सो ऑन, और इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं इस तरह कोई दूसरी वैल्यूज के बारे में, तो ये टेबल आपको 2 से 10 तक का फंडामेंटल तो आना ही था। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों, आप कोई दूसरी नंबर ले लेते, कोई भी आपका मन करे, जैसे हम बात करते हैं 96 का टेबल हमें बनाना है, आप बना के बताओ, सर बोल तो बहुत रहे हो 96 का टेबल बना के बताइए, डोंट वरी दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए, जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो पूरा ध्यान आपका अपने वर्क पे लगने लगेगा, और जब फुली कॉन्सेंट्रेट होकर के आप किसी काम को करेंगे तो वो काम 100% सियोरिटी के साथ आपका वर्क डन होगा। चलिए इसको करते हैं, 96 का टेबल हमें लिखना है, तो क्या करेंगे 96 के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया 9 का टेबल पहले अलग लिख देंगे और 6 का टेबल अलग, तो 9 का टेबल क्या हो जाएगा, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18। चलिए मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बता देता हूँ, हिंदी मीडियम के जो बच्चे वो भी सीख जाएंगे, हिंदी से टेबल पढ़ा देता हूँ। 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 9 तारीख 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अठी 72, 9 नवम 81 और 9 दहम का 90। ये हो गया 9 का टेबल, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। और इस तरीके से 6 का टेबल क्या नोट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। आप देखिए दोस्तों इसे हिंदी में, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नई का 54, 6 दाम का 60। ये हिंदी में मैंने टेबल लिख दिया। अब आपको दोस्तों करना क्या है, तरीका वही करना है, कोई भी टेबल हो बड़े आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट वाले एक एक सिंगल डिजिट के हैं उनको तो वैसे ही नोट कर देंगे, 9 इधर 6 इधर। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि जो इकाई का
का है उस साइड का है उसको उधर ही रखना है, और जो इस साइड का है इस इधर की तरफ का उसको इधर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 और 18, तो क्या करना है, 2 को तो हम इधर रखेंगे। अब 18 में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा या नहीं, तो 18 में जब ये 1 प्लस हुआ तो क्या बन जाएगा 19, तो क्या हो गया 192। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, 18 का 8 वैसे ही रहेगा, और 27 में 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 28। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वैसे ही रहेगा। अब 36 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगी ना कैरी, तो जब 32 में 2 प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर 4 हो गया और ये कितना हो गया 38। वन टू थ्री फोर, वेरी गुड। तो कितना हो गया 36, 37, 30, वेरी गुड। अब आगे क्या करते हैं दोस्तों, ये हो गया 0। अब 0 में क्या होगा, इधर 45 में 3 प्लस होगा तो यहाँ पे 3 ये प्लस होते जाएंगे, तो 45 में 3 प्लस होगा कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। इसी तरह 6 इधर नोट कर लेंगे, 54 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 55, 56, 57, ये हो जाएगा 57। इसी तरीके से अगले में 2 इधर है तो 2 को इधर नोट कर लिया, 63 में 4 प्लस करेंगे, ये 4 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 63 4 कितना हो जाएगा 67। इसी तरीके से 8 इधर नोट कर लेंगे, 4 72 में जुड़ेगा तो 72 4 76। फिर इस तरह 81 में 54 को जैसे करना है तो 4 इधर आ जाएगा 5 इधर, 81 और 5 86। अब यहाँ पे 0 ऐसे हो जाएगा, और 90 में जब 6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 96। तो देखा दोस्तों आपने, ये बन गया हमारा टेबल, कैसे बना। अब देखिएगा 96 वन जा 96, 96 टू जा 192, 96 थ्री जा 288, 96 फोर जा 384, 96 फाइव जा 480, 96 सिक्स जा 576, 96 सेवन जा 672, 96 एट जा 768, 96 नाइन जा 864 एंड 96 टेन जा 960। यानी कि हिंदी में बोल देता हूँ मैं, आप 96 कन्नम 96, 96 दुनी 192, 96 त्रिको 288, 96 चौके 384, 96 पंजे 480, 96 छक्के 576, 96 सत्ते 672, 96 अट्ठे 768, 96 नवयम 864 और 96 दहम का 960। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने केवल ये 2 टेबल्स लिए थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको करना कैसे है, कितना आसान होता है। आप आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे कोई भी टेबल बना दीजिए आप, कितना भी बड़ा टेबल क्यों ना हो, आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। आप कोई भी टेबल बनाइए, बस बेसिक आपको याद रखना है कि 2 से 10 तक का टेबल आना आपको जरूरी है। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कि आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं, और अगर आपने सीखी हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे यस आई हैव लर्नड, मैंने सीख लिया है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो भी ज़रूर लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया सर, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ असिस्ट मी, कृपया मेरी हेल्प कीजिए, मैं एक बार फिर से आपको समझाने के लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, तो आप लोग जब कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे पता करूंगा कि आप क्या सीखना चाहते हो। आप कमेंट करिए, मैं वीडियो उस पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।